अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ कोरोना संकट और लॉकडाउन, ऐसे में एक्टर एजाज खान का बयान उन पर भारी पड़ गया है। अपने विवादित बयान और भड़काऊ भाषण के लिए चर्चित एजाज खान फिर मुश्किलों में पड़ गए हैं। काली टी शर्ट, मुंह पर मास्क और पुलिस से घिरे एक्टर एजाज खान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर खार पुलिस ने एजाज खान को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, एजाज खान अल्लाह के बंदे नामक एक एनजीओ भी चलाते हैं और हमेशा अपने बयानों पर पोस्ट से सुर्खियों में रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब एजाज खान गिरफ्तार हुए हैं। हम आपको अल्लाह के बंदे एनजीओ के कार्यकर्ता ने क्या कहा है वो बता रहे हैं और आप सुनिए। एजाज खान को वो कोई कल एक वीडियो डाला था उसने, जी उस पर उसको अटैक किया है। अभी आज पुलिस आई थी खार पुलिस स्टेशन से, जी किसी एक एडवोकेट के कंप्लेंट पे जी। खार पुलिस स्टेशन ने अपना काम किया है। अब इंशाल्लाह कल हम लोग कोर्ट जाके उनको बेल कराने का काम हम लोग अपना काम करेंगे। और तो आपसे अधिकारियों की बात हुई है, अधिकारी ने क्या कहा आपको? नहीं, हम लोगों को तो सबने कहा कि ये कहा कि उनको 149 का नोटिस दे के छोड़ देंगे जी। बट अभी माहौल ऐसा है कि उनका बोलना है कि ये मुस्लिम हिंदू का एक वीडियो डाला इसके वजह से, पर वो वीडियो ऑलरेडी है भी नहीं उसके। वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया है, हमने देखा भी है, डिलीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है वो ऑलरेडी। उसके अंदर कुछ आक्षेपारी उन्होंने भाष्य किया था, एक दो वर्डिंग्स जो है उनकी वही है। बल्कि एजाज खान जो है तो हमेशा एजाज खान का ये काम देख रहे हैं, एजाज खान का ये काम नहीं देख रहे कि एजाज खान किस गरीबों को कैसे खाना खिलाता है। अभी ये माहौल चल रहा है, मैं खुद बोलूंगा कि हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, और हम लोग हिंदू मुस्लिम के फेवर में भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को चीज की जाए। एजाज खान पर आरोप है कि उन्होंने तबलीग जमात के समर्थन में फेसबुक लाइव पर बयान दिया है, जिस पर खार पुलिस ने उन पर IPC की धारा 153A, 117 और 121 के तहत केस दर्ज किया है। आज सुबह एजाज खान को बांद्रा के होलीडे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 24 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।